And performing first time here, and I am more into poetry basically. लेकिन कभी कभी कुछ कहानियाँ किस्सा हो जाते हैं, दूसरे लोगों के दिख जाते हैं, अपने लोगों के दिख जाते हैं. तो एक छोटी सी कहानी है जो मेरी खुद की है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अभी कुछ साल पहले की बात है, जो 4-5 साल हुए हैं उस बात को. मैं किसी से मिली और हम लोगों में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे किस्से हुए, हम लोग बहुत मिले एक दूसरे से, चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो कॉल जो कि आजकल बहुत कॉमन है, ये सब चला. और फिर कुछ यूँ हुआ कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आया या वो कहीं और बिजी हुआ और हम लोगों का मिलना जुलना कम हो गया. ठीक है, मिलना जुलना कम हुआ, समझ में आता है कि भाई अगला बिजी है अपनी लाइफ में या फिर अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में या घूमने घामने में, जो भी उसका पैशन है उसमें वो बिजी है. ठीक है, समझ आता है. उसके बाद बातों का सिलसिला भी बहुत कम हो गया. फिर सोचा ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगला बिजी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद बातों का सिलसिला कम होते होते हफ्ते में 2 दिन, 1 घंटा 5 मिनट इसमें गुजर गए. अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती थी. तो वो मेरे बहुत करीब था और मुझसे दूर जा रहा था. अब दूर उस समय जब वो मुझसे जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने गुस्से में एक खत लिखा. वो खत कुछ ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि उसको लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, बहुत सारी कश्मकश थी मेरे दिमाग में. और जो मैं उसे कहना चाहती थी, मैं उसे कह कभी नहीं पाई. आज भी तो वो जो खत है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि तुमको मैंने खत लिखा, तुम्हें भेजा नहीं. उस शख्स से मैं कहना चाहती हूँ आज भी कि तुम्हें मैंने खत लिखा, तुम्हें भेजा नहीं. और मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम खुश हो अपने लोगों के बीच, अपनी नई दुनिया में, और मैं जानती हूँ कि सब कुछ बदल गया है. कहाँ बदला, कैसे बदला, मुझे नहीं पता. ये खत मैंने लिखा है लेकिन तुम्हें भेजा नहीं है. तुम्हें भेजूँ तो किस हक से भेजूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता आज क्या है हमें खुद नहीं पता. हाँ, किसी ज़माने में हम दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, लेकिन आज उस रिश्ते का क्या नाम है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता. अब उससे देखा पहले जैसे बेतकल्लुफ बातें नहीं है हमारे बीच जो हुआ करती थी पहले. तुम बदल गए हो. और सच कहूं तो इस पूरी ड्यूरेशन में मैं भी बदल गई हूं. तुम्हें मैंने खत लिखा लेकिन तुम्हें भेजा नहीं. वो खत लिखा और लिखकर मैंने उस डायरी में रख दिया. अक्सर हम लोग यही करते हैं कि हम कुछ लिखते हैं और जो उसको भेजना चाहते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं होते कि हम उसको भेजें कि नहीं भेजें, या कुछ मैसेज लिखें. कई बार हम मैसेज टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं. तो मैंने भी वो खत लिखा और डायरी में रख दिया, ये सोच के कि मैं उसको भेजूँ कि नहीं भेजूँ. फिर वो डायरी मैंने अलमारी में छुपा दी, अलमारी में छुपा दी कि उस खत को कोई और ना पढ़ ले, मैं ही ना पढ़ लूं, मेरे घर वाले ना पढ़ ले. और उस खत को लिफाफे में भी रखा नहीं. मैंने खत लिखा लेकिन उसको भेजा नहीं. फिर कश्मकश में मैं उलझी थी कि मैं उसको भेजूं कि नहीं भेजूं, कि वो बहुत कुछ बातें थी जो मैं गुस्से में थी, मेरी यादें थी, मेरी मोहब्बत थी, और मैं सोच रही थी कि मैं उसे भेजूं कि नहीं भेजूं. खैर, मैंने उसको अलमारी में रखा और उस अलमारी को ताला लगा दिया. लेकिन उस खत के बारे में मैं सोचती रही कई दफा,
और उस खत को लिखे कई साल बीत गए और वही शख्स मुझे एक दिन मेट्रो में मिला। उस शख्स ने मुझसे कहा कि उसकी शादी हो गई। मैं रोना चाहती थी पर मैं रोई नहीं। मैं उसे कहना चाहती थी कि तुमने ये क्यों किया, तुम मुझे बता भी तो सकते थे, तुम कह सकते थे कि मेरी मजबूरी है, मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, या कुछ मजबूरी रही, उस लड़की की कोई परेशानी थी, मैं समझ सकती थी, इतना तो मैं दोस्त थी तुम्हारी। लेकिन उस शख्स ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी परेशान हो, तुम मैं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं बुरा हूं, तुम मुझे गालियां दो, तुम मुझे कोसो, लेकिन तुम मुझे सोचकर परेशान ना हो। वो दिन था और आज का दिन है कि वो और मैं अलग है, लेकिन वो खत आज भी मेरी अलमारी में रखा है, उसी डायरी में रखा है, वैसे ही रखा है, और उसे खोलने की, उसे पढ़ने की आज भी मेरी हिम्मत नहीं है।